हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी इंस्टाग्राम स्टोरी को अपने फ़ोन गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और किसी की स्टोरी पसंद आ जाती है और उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इसमें स्टोरी को आप बिल्कुल म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम में जैसे कि यहाँ पे सबकी स्टोरी शो होती है, आपको यहाँ से किसी की स्टोरी पसंद आ जाती है या फिर किसी अलग पर्सन की स्टोरी पसंद आ जाती है, आपको सिंपली उसका यूज़र नेम पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, इन सबका यूज़र नेम तो यहीं पर लिखा आ रहा है। अगर आप किसी और की भी स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए। आपको यूज़र नेम पता होने के बाद सिंपली अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है, हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टोरी इंस्टा। स्टोरी इंस्टा लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा स्टोरी इंस्टा डॉट कॉम, आपको इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ये साइट ढूंढी है। इससे पहले दोस्तों स्टोरी सेवर डॉट नेट पे स्टोरी डाउनलोड करने का ऑप्शन था, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसमें कई बार नहीं हो पाती। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने स्टोरी इंस्टा डॉट कॉम की साइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों आपको जिसकी भी स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं उसका यूज़र नेम डाल देना होगा। मैं यहाँ पर अपना ही यूज़र नेम डाल देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरी प्रोफाइल आ गई। एक बार फिर से हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कोई प्रोसेस होएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें और भी फीचर्स हैं। फिलहाल हम स्टोरी सेवर के बारे में ही जानेंगे, स्टोरी सेव कैसे करें। इसके लिए दोस्तों आपको ये थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्टोरी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे, इसलिए एक बार फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों वीडियो डाउनलोड हो रही है। जैसे दोस्तों वीडियो डाउनलोड हो रही है तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, वीडियो हो गई है डाउनलोड। अब इसे हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगी, हमारे फ़ोन में सेव हो गई है। ये देखिए दोस्तों म्यूज़िक भी चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको म्यूज़िक सुना नहीं सकता। आप इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि म्यूज़िक सुनाने से मेरे चैनल पर कुछ स्ट्राइक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों आप इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।